साथियों, एक समय था जब कुछ लोग ये सवाल उठाते थे कि अशिक्षा और गरीबी भरे माहौल में भारत कैसे टेक्नोलॉजी को अपने सामान्य नागरिकों तक पहुंच पाएगा। लेकिन भारत ने ये करके दिखाया है और बहुत सफलता के साथ करके दिखाया है, दिखाता रहेगा। आज अकेले यूपीआई प्लेटफॉर्म पर ही हर महीने करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है, 4 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन, और हर महीने नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज गांव देहांत में भी छोटे छोटे रेहड़ी ठेलों पर भी आज डिजिटल पेमेंट संभव हो रहा है। भारत के उद्योग जगत को, देश की इस ताकत को समझते हुए आगे बढ़ना है। साथियों, हम जैसा गांव और छोटे शहरों का माहौल टीवी या फिल्मों में देखते हुए बड़े हुए हैं, उससे इनके बारे में एक अलग धारणा बनना स्वाभाविक है। शहरों और गांवों के बीच फिजिकल दूरी कभी उतनी नहीं रही जितनी दूरी पर्सपेक्टिव को लेकर रही है। कुछ लोगों के लिए गांव का मतलब ऐसी जगह रहा है जहां आना जाना मुश्किल हो, जहां बहुत कम सुविधाएं हो, बहुत कम विकास हुआ हो, पिछड़ापन ही पिछड़ापन पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप आज रूरल या सेमी रूरल इलाकों में जाएंगे तो आपको एकदम अलग दृश्य मिलेगा, एक नई आशा, नया विश्वास आपको नजर आएगा। आज का ग्रामीण भारत बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। क्या आप जानते हैं कि रूरल इंडिया में एक्टिव इंटरनेट यूजर्स की संख्या शहरों से ज्यादा हो चुकी है? क्या आप जानते हैं कि भारत के आधे से ज्यादा स्टार्टअप्स हमारे टीयर 2 टीयर 3 शहरों में हैं? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से देश की लगभग 98% बस्तियां सड़कों से जुड़ चुकी हैं। कहने का मतलब ये कि गांव के लोग अब बाजार, स्कूल, अस्पताल और दूसरी सुविधाओं से तेजी से जुड़ रहे हैं।